लेकिन पलड़ी और तो के काम थोड़ी बना हमारे पन्नू अभी ठीक है कर दिया और राम राम बेबे, सभी वाणी कैसी हो। तो बेबे आज गांव आई थी तो उसका खीस निकाला था शाम ने, वारी जेर गेरी 3:30 बजे ही गेरी थी तो 4 बजे उसका खीस निकाला था, दूध निकाला था मतलब, तो खीसे बोलिया जावा तो आधा ही निकाला जा कर। तो बेबे मैंने वो खीस बना दिया सबसे, तो आज दशहरा भी था तो दशहरे पहले तो इसमें कढ़ाई में पहले तो हलवा बनाया, हलवा तो बस थोड़ा ही बनाया भी मैंने खा लिया, दादी ने खा लिया, ये इनके पापा बेटे का रह गया तो ईसा ही खावा है क्यों, कल भी बना था कल तो आज तो त्यौहार था इसलिए बना दिया। तो बेबे कईयों की डिमांड थी भाई मारे खीस भेजना मारे खीस भेजना, तो ये मैंने खीस बना दिया, इसके फ्रिज में रख दूँगी, फ्रिज में रखने के बाद फिर इसकी बर्फी छोटे छोटे टुक से कर दूँगी, बर्फी काट दूँगी तो फिर उनका दिया आऊँगी। तो बेकैया डिमांड करती मारे खीस से भी मतलब कर दें अभी, जिसका मैस मूस ब्याह हुआ गाँव में ब्याह हुआ भी मारे खीस भेजियो मारे खीस भेजियो। पहले तो कई तो जोड़ जाड़ में पुआ दिया कर दे, तो भी सब अपना खीस बनावे हैं उसकी बर्फी के पीस काट देवे हैं, तो बेबे बहुत खुशी हो रही है। एक तरफ से माता रानी का वर्ष जीत किया था तो एक तरफ से तो सोचा भी भोलेनाथ जी आगे, बाकी दूसरी तरफ से दशहरा भी था तो रावण रावण भी ले अच्छे थे बेबे। क्या हो गया तो थोड़ा हाँ भाई, ये भी कुछ विधि का विधान था अभी राक्षसों का विनाश करने के लिए उसने ऐसे कुकर्म किए थे, बाकी भोलेनाथ जिया का सबसे अच्छा भगत था, बहुत ही अच्छा भगत था, बुद्धि भी बहुत तेज थी उसमें, बस बस ये शुरू में तो कंस भी बढ़िया था रावण भी बढ़िया था, तो उनके भी कुछ होंगे विचार, तो भगवान ने कुछ माया ही रच रखी थी भाई, ऐसे होगा राक्षसों का नाश के लिए है, तो इसलिए बस यही सोचा कि चलो चलो एक तरफ से रावण तो नहीं आ सकता, बाकी राम जरूर होगा, राम या भोलेनाथ जी ही होंगे, माता माता ने भेजे हैं। तो बेबे आज माता आज तो बहुत सी उदासी भी सी हुई, अभी माता रानी गई घर से, फिर आज काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था आज, फिर अगर माता रानी भी होती तो इतनी माता रानी के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊँ, और मैं तो क्यों ज़्यादातर माता रानी का के लिए टाइम निकालती थी, क्यों इतना काम नहीं था दार दूर का, आज तो गाँव के बहुत काम हो गया बेबे उसका है। तो मैं यो खीसी ठंडा होने के बाद पतीले में डाल थोड़ा पतीला उसमें डाल दूँगी, उसमें डाल के छोटे छोटे टुक बर्फी के टुक बना दूँगी। हाँ तो आज ये ना तो मतलब ना बच्चे गुड़गांव जा रहे हैं, वो बहुत लोग करया कर रहे हैं, ये मैंने फ़ोन तो कराया था मगा भाई आ जाओ खीस खा जाओ, कोई बात हो कैसे पूछा हूँ मैं, करीब उनके भी स्कूल लग रहे हैं, वह भी नहीं आ सकते, बाकी आएंगे तो शनिवार नहीं आएंगे आएंगे तो नहीं तो दिवाली पर बुलाऊंगी, थोड़े ही सदस्य हैं बस छोटा ही परिवार है तो इसलिए हम तो इतना खा नहीं सकते, और बाकी ये सूखा दूध के भी बढ़िया लाग जा इसके बना लिया और मैं तो फिर तो कोई वह कह दे है, लेकिन इस बार की रीस थोड़ी हो, देखिए कितना प्योर है, देखो कितना प्योर है ये, तो ये देख नहीं रहा है। मेरी माँ तो इसको कम से कम भी 2-2.5 घंटे चूल्हे पर बनाती है, आँखों के लिए कम से कम भी एक महीना चलता है, इसमें चून चाल मिला के घी या मिला के कम से कम भी 2 घंटे जिस तरह खोआ निकालते हैं उस तरह निकालते हैं मेरी माँ, लेकिन अब तो थोड़ी सी बुजुर्ग सी होगी तो इतनी नहीं कर सकती, बाकी चूल्हे पर बैठाए पाछे तो कर देवा बताई जावा है, लेकिन पहले और तो के काम थोड़ी बना हमारे पन्नू अभी ठीक है कर दिया और कल से 2-3 दिन से रेस्ट ना करूँगी, फिर उसके बाद सफाई करवा चौथ का सूट बेबे के पास भेज रखा वो सील का पहुँचा देगी ठीक है, फिर बार तो सरदर्दी ख़त्म सूट सिलन की, फिर पहले चूड़ी लेनी है, फिर बेबे दिवाली की सफाई करूँगी, 15 कमरे हैं, 15 कमरे की रोज़ ईप करण लागूंगी, जब जाकर मैं दिवाली आ जाऊँगी रसोई बाथरूम रहेंगे नारे लेटरिन रहेंगी नारे इनकी सफाई, तो ईप करण लागूंगी, इतना सामान है बहुत ज़्यादा सामान है,
सारा सामान निकाल के एक एक कमरे की करूँगी। है गेरा वगैरह होगा जो साल भर में वैसे 6 महीने में कर दिया करा, लेकिन जो सामान है वो तो फालतू का निकाल के सारा बाहर करूँगी, कबाड़ी में दूँगी। तो अकेली होगी बेबे। और मेरी वीडियो लाइक करियो और सब्सक्राइब करियो, बहुत सारा प्यार दियो बेबे। सारी बाणा के वीडियो देखो हूँ फुल वॉच टाइम्स के साथ है, और मेरी भी वीडियो देखा करो, बहुत सपोर्ट करी हो मेरी बहन, और मैं भी आपका बहुत सपोर्ट कर रही हूँ। राम राम बेबे। रोटी बना दी बेबे, शाम का सारा खाना तैयार कर दिया है त्यौहार था इसलिए मैंने हलवा भी बनाया, थोड़ा है बनाया था हलवा, कल बनाया था तो इतना मीठा कोई नहीं खाता, इसलिए मैंने अपना त्यौहार था ये अपनी पूजा पाठ कर ली है, इस करके ना तो वहाँ चढ़ाना भी जरूरी है। मैं त्यौहार तो बागवाड़ा के लिए आओ बेबे, चाहे खाओ चाहे ना खाओ, लेकिन शौक तो करना पड़ा है हलवा का। और सब्जी बना दी, आलू की बनाई है सब्जी की, हलवे आलू उसके हलवे के साथ तो सब्जी की आलू की सब्जी बढ़िया अलग है, तभी हलवा का टेस्टा बैठा है, तो हलवा खाँदी सब्जी कर चित्रा खा ले। तो बेबे ये इसकी दादी ने रोटी दे दूंगी, हलवा तो दिया ही थी, रोटी बना दी, सारा खाना तैयार कर दिया। ये जो एक्स्ट्रा बर्तन है एक्स्ट्रा बर्तन मांग दूंगी, तो पापा बेटा आओगे फिर हम मिलकर साथ में खाना खा लेंगे। अम्बे तो है जगदम्बर मैया कुल मैया, सबको उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बर मैया गोकुल में रहने वाले, ओ मैया सबको उतारे तेरी आरती। जय माता दी।